Hello dear students, poem The Milk for the Cat, which is composed by Harold Munro. Book exercises given to us on page 80. Match the phrases with their meanings. Phrase hai, unke meaning ke saath unhe match karna hai. Let's begin. Large milky haze ka dimming brightness of cat's eyes. It will go with C. Ladies stroke their silk. Iska matlab hai ladies brush their silk. Silk ki jo saadi unhone pehni hui hai, use ब्रश करना. क्रीपिंग लस्ट फॉर मिल्क. क्रीपिंग लस्ट, लस्ट होती है किसी चीज़ की डिज़ायर, इच्छा. तो इसका आंसर होगा इंक्रीजिंग डिज़ायर फॉर मिल्क, विच गोज विद ए. लाइज डिफीटेड. द कैट इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड. हर लिथे बॉडी बिकम्स वन ब्रीथिंग ट्रम्बलिंग पर. इट गोज विद डी पार्ट. The cat's supply body tremble with desire. Okay, let's move on and complete the short summary of the poem with words. Milk for the cat is about a cat's wait for the tea that is served every day at the poet's house at 5 in the evening. The poem follows each of the movements of the cat as she waits for milk. The poet describes extreme satisfaction with which the cat enjoys the milk, then buries herself on the armchair in a deep slumber. Okay, answer these questions. Although I tried to write the answers here, but it is not possible, so I have to upload another video for the question answers. ठीक है, तो दूसरी वीडियो में करेंगे ये सब. Answer these questions हैं. और ये भी ना बहुत बड़ी बड़ी लाइंस हैं. द पोएम हैज इवोकेटिव लाइंस दैट डिस्क्राइब्स द कैट. कैन यू आइडेंटिफाई दोज लाइंस फ्रॉम द पोएम. तो ये सब काफ़ी बड़ी लाइंस हैं. मैं सेपरेट वीडियो इसके लिए अपलोड करने वाली हूँ. वर्ड स्टडी में चलते हैं. स्ट्राइक आउट द इनकरेक्ट पेयर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन दी सेंटेंस. तो इनकरेक्ट पेयर करना है हमें, करेक्ट वाला छोड़ देना है ऐसे. इन माई आंट्स फ्लैट टेनेंट्स कम एंड गो. कम एंड गो नहीं होता, गो एंड कम होता है. क्वाइट फ्रीक्वेंटली फेज वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विंग सीइंग हिट और मिस ओनली सीइंग हिज सिस्टर्स डू इट. राइट और रॉन्ग, जबकि रॉन्ग एंड राइट होता है. आई हैव डिसाइडेड टू सपोर्ट योर कॉज. पवन पुट हिज हर्ट एंड सोल. सोल एंड हर्ट होता है. इन टू द प्रोजेक्ट. गेटिंग डाउन ऑन हर नी, ऑन हर हैंड्स एंड नीज. नीज एंड हैंड्स होता है. जबकि समीरा सर्च फॉर हर फॉलन ईयरिंग. ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है हाइपरबोल. हाइपर होता है किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बताना, बहुत ही एग्जेजरेट कर देना सिचुएशन को, बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन को बड़ा चढ़ा के बताना इज हाइपरबोल. ये एक पोएटिक डिवाइस है. ठीक है, देखो द वाइट सॉसर लाइक सम मून डिसेंड्स. अब एक दूध का प्याला है, उसे आपने मून से कंपेयर कर दिया, तो ये भी हाइपरबोल है. एट लास्ट फ्रॉम द क्लाउड ऑफ द टेबल अबव. फ्रॉम द क्लाउड ऑफ द टेबल अबव, जो टेबल है उसको एक क्लाउड का रूप दिया गया है, तो दैट सीम्स टू बी अ हाइपरबोल. वाइट सॉस द वाइट सॉसर ऑफ मिल्क इज कंपेयर टू द ब्राइट मून दैट सीम्स टू डिसेंड फ्रॉम द क्लाउड. द पोएट टर्न्स द सॉसर इन टू लार्जर दैन लाइफ इमेज फॉर अ बेटर इफेक्ट. टेबल को भी इतना बड़ा चढ़ा के बोल दिया. तो इसमें भी अंडरलाइन करेंगे कुछ हाइपरबोल्स. स्नेहाज हाई हील्स आर किलिंग हर. हाई हील्स दी गलती है. ठीक है, दिस फ्रूट बॉक्स वेज अ टन. वेज अ टन, टन तो 100 किलो से ज़्यादा होता है. 100 किलो होता है मीन्स. ठीक है, शी कुड नॉट हियर अ पिन ड्रॉप अ माइल अवे. इतनी शांति, अ पिन ड्रॉप अ माइल अवे की एक किलोमीटर तक कोई पिन भी ड्रॉप नहीं हुई हो. इट हैज़ बीन मिलियंस ईयर्स सिंस वी डांस. मिलियंस ईयर्स तक कोई जिंदा भी रहता है क्या? तो ये एक हाइपरबोल है. आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. ईट अ हॉर्स जस्ट इट्स अ हाइपरबोल. आई वॉक्ड अ मिलियन माइल्स टू गेट देयर. मिलियन माइल्स चल सकता है भाई कोई? वॉक द मिलियन माइल इज अ हाइपरबोल. माई पेरेंट्स डाइड ऑफ लाफ्टर. हंसते हंसते मर गए. हंसते हंसते कोई मरता है? डाइड ऑफ लाफ्टर इज अ हाइपरबोल. आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस सेंचुरीज. मैं हज़ारों सालों से यहाँ वेट कर रही हूँ. हज़ारों सालों से कोई वेट क्या करेगा? लिव ही नहीं करता है. तो इट्स ऑल्सो अ हाइपरबोल. लेट्स मूव ऑन टू द डिक्शनरी पार्ट. लुक एट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट.
एंड फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली, मीनिंग आप ढूंढ लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. द पोएट अनाउंस दैट वी वुड नॉट डिसेंड, इट्स डी है ना, डिसेंड, एंड द एयरक्राफ्ट वुड बिगिन इट्स डिसेंट इन टू चेन्नई. हर कमेंट मेड एन एल्यूजन टू द प्रिंसेस एक्स्ट्रावेजेंट लाइफ स्टाइल विच एवरी वन थॉट वॉज जस्ट एन इल्यूजन. IELUSION. The visited advocates council, COUNCIL council, to find counsel, COUNSEL, for his company. Estonia, formerly FORMERLY, a part of USSR, formerly FORMALLY, gained independence in 1991. Fifth, we had to travel farther, FARTHER, than the map indicated, so we decided to drive further, FURTHER, further. ग्रामर स्टडी, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. वर्ब दो टाइप की होती हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. जैसे क्राई, क्राइज, क्राइड, विल क्राई, इज क्राइंग, वॉज क्राइंग, ठीक है, तो ये होती है फाइनाइट वर्ब. द कैट स्टैम्प्स हर क्लॉज टू लिफ्ट हर ईयर्स, द कैट स्टैम्प्स हर क्लॉज टू लिफ्ट their ears, the cat stamped her claws to or lifted their ear, the cat was stumping her claws or lifting her ears. ये हो गई finite verb. ठीक है, non finite verb do not change their forms with the tense, वो change नहीं करती है. चलो अब हम करते हैं right. F for finite, N for non finite. Mrs. Mystery is decorating the classroom for the children. It's a finite verb. Is decorating, was decorating, decorated, सब चलेगा. ठीक है, आई फॉरगॉट टू राइट द ईमेल टू द बैंक मैनेजर, इट्स ऑल्सो फाइनाइट. आई फॉरगॉट राइटिंग द ईमेल, इज वर्किंग एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. लिविंग अमंग द माउंटेन्स कैन बी वेरी रिलैक्सिंग, इट्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब. और याद रखना ये हमेशा या तो एडजेक्टिव का काम करती है और दे बिगिन द सेंटेंस, तो इट्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब. मानसी प्लेड द पियानो वेल, इट्स अ फाइनाइट वर्ब, क्योंकि विल प्ले भी हो सकता है, विल बी प्लेइंग भी हो सकता है, सब हो सकता है. ठीक है, डोंट गो नियर द फ्लडेड फील्ड, मैंने कहा एडजेक्टिव का काम करती है, तो ये देखो फील्ड कैसी है, फ्लडेड, तो ये हो गई एक नॉन फाइनाइट वर्ब. समझ आ गया? चलो भाई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द जेरंड फॉर्म. जेरंड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है जो एंड होती है आईएनजी से. इट वर्क्स एज अ नाउन. जेरंड कैन बी इधर एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकती है या ऑब्जेक्ट की तरह, आईएनजी की तरह होती है, एज अ सब्जेक्ट यूज करूंगे. कर्लिंग हर टंग शी लैप्ड अप ऑल द मिल्क. आई जस्ट कैन नॉट गिव अप रीडिंग द न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग. Zemo is rather good at telling stories. I like walking with my dog every morning on our terrace. My grandma is very good at knitting. Knitting होता है वो बुनाई करना जो होता है ना. Many people take up baking to pass their time. Baking. ठीक है भाई, आगे चलते हैं. बहुत important exercises हैं इसमें, इसीलिए इतनी डिमांड आ रही थी. Combine each pair of sentence using infinitive. Rewrite it as a single sentence. तो मैं सिंगल सेंटेंस ही बोलने वाली हूँ, फुल सेंटेंस तो आप अपनी बुक में देख ही लोगे. Let's read this poem again to understand it better. This is the last thing to do. This is the best thing to do. So aap kar do, the best thing to do is to step outside. Theek hai? Lata dug with the ball. Came when the ball came to stop it from hitting her face. The milk is too hot to drink. Mummy has sold her scooter to buy a car. ठीक है भाई. Participle is a verb that is used as an adjective and often ends with ing, ent, ed. Since its functions as an adjective, a participle modifies either a noun or a pronoun. तो ये noun और pronoun से पहले होते हैं. ठीक है, चलिए भाई, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, gerund, participle, these are the
These are the categories of non-finite verbs. Fill in the blanks with the suitable participle form. The old man opened the gift box with the trembling hands. Adjective ka kaam kar raha hai. Hands kaise? Trembling hands. Mahima hurt her leg playing basketball. Playing. The cup filled with milk is on the table. Regretting his words, Nazir apologized. ठीक है, तो बेटा ये हो गई बुक एक्सरसाइजेस. समरी आपने देख ही ली होगी और अब मैं क्वेश्चन आंसर्स और ये जो डी एक्सरसाइज थी इसकी आपको अपलोड कर दूंगी वीडियो में. दोस्तों के साथ भी शेयर करो. मैम का जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर भी इंक्रीज कराओ भाई. मैम हेल्प्स यू, यू हैव टू हेल्प मैम. ओके, बाय बाय.